कहते हैं कि मुश्किलें इंसान के कदम धीमे कर सकती हैं, लेकिन जो मुश्किलों को ही अपना हथियार बना ले, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी ही कहानी है बाड़मेर के छोटे से गांव सारला के रहने वाले शौकत की। शौकत ने ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देश में 27वीं रैंक पाकर बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है। जब शौकत महज 11 साल का था, तब उसके पिता कायम खान की साल 2012 में इंतकाल हो गया। इस हादसे के बाद इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भाइयों के पास खेती के अलावा कोई सहारा नहीं था। शुरू से ही मेधावी छात्र रहे शौकत को कुछ कर दिखाना था, इसलिए लगातार 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई जारी रखी। मेरे पापा 2012 में एक्सपायर हो गए थे और मेरे दो बड़े भाई हैं, वो घर पर खेती करते हैं, इससे हमारा गुजारा चल रहा है। अभी एग्जाम आईईडी एग्जाम का हुआ था, 12 फरवरी को मैंने दिया था, जोधपुर सेंटर आया था और इसको मैं यहीं सेल्फ डिलीवरी करता था। खाना पीना मैंने से ज़्यादा समय लगता है तो पास में इंदर रोशी, वहाँ से रोज खा के आता हूँ। घर वाले समझते नहीं आईआईटी क्या होता है, तो कल रिजल्ट आया था तब बताया था मैंने, आईआईटी एग्जाम का मैंने एग्जाम दिया था और रिजल्ट आ गया, तो उनने पता उनको पता ही नहीं था, पास में किसी ने समझाया कि हाँ आईआईटी एग्जाम ये एग्जाम होता है, तब मुझे वापस कॉल किया कि इतना अच्छा एग्जाम दिया आने से हमारे बधाई दे रहे। सब सर पहले मैंने 12वीं कर दी मैथ से, मेरी मैथ्स में रुचि थी तो मैथ्स में 12वीं कर दी मैंने। 12वीं करने के बाद आगे क्या करूँ, फिर कोरोना काल आया, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने से बीएससी कर लेता हूँ जैसे, फिर मैंने बीएससी माधव कॉलेज से बीएससी कर ली, फिर मैंने से बीएससी कर रहा हूँ। अब कुछ आगे भी कुछ होना चाहिए तो मैंने मतलब बड़े तौर पर गजेंद्र पुरोहित को मैं मतलब यूट्यूब पर देखता था वीडियो, तो वे आगे आईआईटी एग्जाम के बारे में, टीआईआरएफ के बारे में, उनके बारे में बताते थे, तो मैं उनसे तैयारी करता यूट्यूब पर वीडियो को भी देख कर यहीं पढ़ता था बैठ बैठ कर। सर किराया भी ज़्यादा पड़ता है, किराया ज़्यादा बढ़ने में मुश्किलें होती है बहुत, घर वाले पहले समझते नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब 3 साल से बीएससी हो गई, अब 3 3 साल खर्चा भी ज़्यादा आता है, फिर